नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों कल का एनालिसिस करने से पहले आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं, और उसके बाद कल का जो भी डिटेल में व्यू बन के आ रहा है कौन से लेवल पर हमें एंट्री करनी चाहिए और किस लेवल पर अच्छे बाइंग और सेलिंग दिख रही है वो भी देखेंगे। दोस्तों कल हमने जो वीडियो बनाया था, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली आज मैं बोलूँगा यानी कि प्रॉफिट बनाया रहेगा, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ही इतना बड़ा दिया कि इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद हर एक कंफ्यूज हो जाता है कि बाइंग करें या सेलिंग करें। इसलिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, और जो मैं हर बार इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए देता हूँ दोस्तों, अगर आप वो देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपने आज कुछ ना कुछ तो पैसा बनाया ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको, हर एक वीडियो में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, सिर्फ ऊपर खींचते हुए जानी खींच के लेके जानी है। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन कब से, 4 दिसंबर से ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। यहाँ पे इसने क्या किया, एक बार सपोर्ट लिया इस लेवल पे, वापस सपोर्ट लिया, अब ट्रेंड वापस थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, जब भी वापस फोर्थ टाइम, जब भी मार्केट यहाँ पे था दोस्तों, यहाँ पे था तभी हमने बोला था कि डेफिनेटली बैंक निफ्टी और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएंगे। आज का दिन देखिए दोस्तों, मार्केट यही ट्रेंड लाइन के पास ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन के पास ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहले 5 मिनट का कैंडल लगभग 150 पॉइंट्स का इसने कैंडल बनाया। लेकिन आपने देखा रहेगा कि पिछले जो लेवल्स मैंने दिए थे 21,850 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, और यही सपोर्ट के नीचे अगर ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है। हे कल के वीडियो में तो हमने एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होगा किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्राइस एक्शन पता रहेगा, अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है कोई भी स्टॉक रहने दो दोस्तों, इंडेक्स रहने दो, वो स्टॉक उसी लेवल को वापस टेस्ट कर सकता है और वहाँ से एक सेलिंग साइड में वापस जा सकता है। तो यहाँ पे आज क्या हुआ, पहले 5 मिनट में देख लेते हैं, पहले 5 मिनट में कैंडल बहुत ही अच्छा बना 184 पॉइंट्स का, यहाँ पे लग रहा था कि वापस इस लेवल को ब्रेक करके 850। देखिए दोस्तों एग्जैक्ट कल का एनालिसिस हमने क्या किया था दोस्तों, अगर निफ्टी एल ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो डेफिनेटली हमारा टारगेट 850 तक रहेगा, 850 तक टारगेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये लेवल हमने बोला था। और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है तो भी हमारा टारगेट 850 ही रहेगा, इतना ही बोला था। लेकिन आज 850 के नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 180 पॉइंट्स का कैंडल बनाया, 850 तक टेस्ट किया, वहाँ से रेड कैंडल बना, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 750 का, 21,750 का, मार्केट ने वो भी ब्रेक कर दिया, निफ्टी ने वो भी ब्रेक कर दिया, और जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो ट्रेंड लाइन के पास वापस आया, वेट टाइम स्पेंड किया। और अगर आपने लास्ट सपोर्ट देखा रहेगा, मतलब पिछले टाइम हमने जो वीडियोस में डिस्कस किए थे वो सपोर्ट के पास आके क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग का रीज़न सबको पता रहेगा, मोस्ट ऑफ द जो सेलिंग आया हो HDFC बैंक की जो रिजल्ट है दोस्तों, HDFC बैंक के रिजल्ट मतलब ख़राब आए, इतने भी ख़राब नहीं आए, लेकिन मार्केट किस तरह से हर एक रिजल्ट को लेता है हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे HDFC बैंक का लगभग 8.5% फॉल हमें देखने को मिला। ओके, HDFC बैंक के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना है या इस बैंक से निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसका डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी निफ्टी का देख लेते कल के लिए। यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और वापिस जो नेगेटिव साइन दिख रहा है वो मतलब सपोर्ट के पास इसने वापस क्लोजिंग दे दिया। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ओके पहली बात तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और ए लेवल के पास ओपन होता है 21,500 के पास, ओके 500 और 490 के आसपास या 480 के आसपास, 480 तक हमें कोई भी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से इमिडिएटली सेल में बैठना है कि नहीं वो हम देर के बाद देखने वाले कि इसमें हमें क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अगर निफ्टी 21,500 के पास ओपन होता है, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन हो रहा है,
तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कॉल का ट्राई मारना है दोस्तों, यहाँ पे कॉल में आपको बैठना है, इमिडिएटली पुट में नहीं बैठना है। यहाँ से क्या हो सकता है, वन वे रैली आ सकती है 21,700 तक, 21,700 तक, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर निफ्टी का अप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्रीफर करेंगे दोस्तों कॉल में बैठने का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली इसका कंफर्मेशन लेंगे। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे यही कैंडल का एसएल लगाएंगे और टारगेट 21,700 तक हमारा टारगेट रहेगा, 21,700 तक यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। ओके, ये पहली बात हो गई दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है, वापस इस सपोर्ट के पास आता है 21,500 के पास, और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है कि होल्ड कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट वही रहेगा 21,700 दोस्तों। अगर 21,700 अगर ब्रेक हो जाता तो 21,500, सॉरी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा एनालिसिस के लिए बेटर जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर निफ्टी यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है और आपको दिख रहा है कि और इस लेवल को काट दिया 21,470, लास्ट लेवल बताता हूँ मैं आपको, लास्ट लेवल रहेगा यस 470 के अगर नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग मिल गई दोस्तों 5 मिनट का, यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है। लेवल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, 21,250 तक भी यह हमें कल के दिन निफ्टी देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों, यहाँ पे बाइंग भी बनती है। लेकिन अगर 21,470 के नीचे अगर निफ्टी निकलते हुए दिख रहा है और 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो गया दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट 250 तक रहेगा। ओके, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ डेफिनेटली अगर क्लोज हो जाता है तो हम पुट में ही बैठेंगे ये टारगेट के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी ओपन होता है ऊपर के साइड जाते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली इस लेवल तक हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे 700 तक। और इस लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलता है दोस्तों 700 के पास, तो यहाँ पे पुट में बैठेंगे, टारगेट हमारा इमिडिएटली 21,500 ही रहेगा। ओके, अभी कॉल में कब बैठना है दोस्तों, कॉल में तो मैं प्रीफर करूँगा मेरा जो रहेगा लेवल 21,850 के ऊपर ही कॉल में बैठेंगे। 21,850 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। तो अगर 21,850 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है या निफ्टी निकलता है तो उसी टाइम हम सोचेंगे कि हमें कॉल में बैठना है कि नहीं, तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे दोस्तों। अगर छोटा मोटा आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो 21,700 तक आप इस लेवल पे बाइंग करके निकल सकते हो, बड़ा टारगेट है, स्कैल्पिंग नहीं है। और दूसरा, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ये लेवल को काट देता है, लेवल बताता हूँ दोस्तों 21,650-70, और वहाँ से टारगेट सिर्फ आपका 750 तक बन रहा है, 80-90 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने जो कल बोला था दोस्तों, मुझे कल प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि डाउन साइड में, तो डाउन साइड में ही ट्रेड देखना है और हमें ट्रेंड के हिसाब से ही जाना है। हमने वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया था दोस्तों, यहाँ पे आपको जो लेवल्स दे रहा हो दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनता है। लेकिन आपको लेवल्स ड्रॉ करने आपके चार्ट पे और उसको सिर्फ वॉच करना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी का तो देख लिया दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखोगे तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके दी थी, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बोला था, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 48,000 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें एक्सपेक्टेड था 47,700 तक, 47,700 तक हमें एक्सपेक्टेड था कि इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। लेकिन गैप डाउन ही इतना बड़ा हुआ तो वहाँ पे चांस ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो पिछले कुछ वीडियो में मैंने जो यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 47,250। हर बार इस सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गया था, ये भी हमने बोला था। तो यहाँ पे 47,250 इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पे मार्केट उसके नीचे ही ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे वापस टेस्ट करने के लिए आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला और जो वापस सेलिंग हमें देखने को मिली वो अप टू 46,000 तक भी मार्केट ने टेस्ट किया आज के दिन। तो अभी यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट लेवल्स तो ब्रेक हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहता हूँ वापस, कि
यहाँ पे देखिए सब इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुकी है। अगर कल अगर मार्केट फिसला तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मार्केट 45,000 तक भी आ सकता है। मुझे और 1,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उससे पहले क्या दिख रहा है, ओके एक लेवल हमें दिख रहा है, लेवल ड्रॉ करके लेते हैं। पिछला वाला पुराना सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, एक सपोर्ट है उसके बाद एक सपोर्ट है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ओके दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, आपको दिख रहा है कि फ्लैट ओपन, बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, तो अगर फ्लैट ओपन होते ये आज के लो को काट रहा है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से 400-500 पॉइंट्स फॉल इमिडिएटली देखने को मिल सकता है अप टू 45,500 तक। तो आपको जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिल जाए दोस्तों इस लेवल के नीचे, डेफिनेटली वही कैंडल का हाई ऐसे लगा कि आप टारगेट 45,500 तक रख सकते हो। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है और उसका कंफर्मेशन भी इमिडिएटली मिल रहा है, लेकिन ये लेवल आ रहा है इमिडिएटली 45,500 तक, तो वेट करना है पुल बैक के लिए। आपको पुल बैक के लिए वेट करना है इस लेवल तक 45,900 तक। जैसे इस लेवल पे आने के बाद अगर कोई रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे हम पुट का एंट्री लेंगे दोस्तों, टारगेट वही रहेगा 45,500 तक। दोस्तों यहाँ पे कॉल में बैठना है तो कॉल में मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर छोटा ट्रेड लेना है, अभी बड़े टारगेट्स अपसाइड नहीं दिख रहे, इमिडिएटली नहीं दिख रहे, जब तक कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक हम अपसाइड में ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अगर लाइव मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बनता है या डब्लू पैटर्न बनता है या ये लो बनाने के बाद वापस एक हायर लो बनते हुए दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का नेकलाइन जैसे ब्रेकआउट होगा हम कॉल में बैठेंगे, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा पैटर्न। तो यहाँ पे अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ऊपर के साइड जा रहा है दिख रहा है, तो इस लेवल के आने के बाद आपको यहाँ पे एक वापस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है 46,400 के पास। जैसे यहाँ पे आने के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो यही कैंडल का एसएल लगा के आपको टारगेट वापस 45,900 मतलब 46,000 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, 400 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं पुट का क्यों आपको मतलब प्रोबेबिलिटी देखने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस लेवल से कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे अगर आप कॉल का एंट्री लोगे तो इमिडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो हमारा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें कन्फर्म ट्रेड चाहिए, इसलिए यहाँ पे आने के बाद वेट कीजिए थोड़ा। जैसे रेड कैंडल बनेंगे हम पुट का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 46,400 को ब्रेक करने के बाद सोचेंगे कि कॉल में बैठना है क्या नहीं, तब तक हम पुट का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के ही लेवल्स हमने एनालिसिस कर लिए, उसी हिसाब से आपको काम करना है और उसी हिसाब से कल निफ्टी का एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो ज़बरदस्त हुआ, निफ्टी का भी हो सकता है, लेवल दिए उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, ट्रेड प्लान कीजिए। यहाँ पे मेरा व्यू है आपके साथ शेयर किया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का। तो यहाँ पे HDFC बैंक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, दिख रही है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसी हिसाब से वीडियो के साथ बने रहे अगले। और अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।